अंकल का है ना। सबसे शुरू में मैंने तुम्हें उससे पिछली क्लास में सेकंड लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, प्रागण पढ़ाया था। टॉपिक क्या चल रहा हमारा, प्रागण चल रहा ना, ध्यान से सुनते रहियो ठीक है। प्रागण चल रहा हमारा, प्रागण क्या हो, किसी पराग कोष से, किसी पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, प्रागण। प्रागण कितने प्रकार पढ़ाए थे, कितने प्रकार थे, तीन प्रकार थे, ऑटोगैमी संयुग्मन ठीक है, जिटेनोगैमी सजात पुष्पी परागण ठीक है, उसके बाद जीनोगैमी, जीनोगैमी का मतलब पर परागण। वैसे पर निषेचन दे रखा तुम्हारी एनसीईआरटी में, या पर परागण बोल दो, बात एक ही है ठीक है भाई। तो ऑटोगैमी क्या थी, एक ही फूल था, एक ही प्लांट तो था ही, तो उसी की वर्तिकाग्र पर परागकणों का एक फूल की वर्तिकाग्र होगी, एक फूल की क्या होगा, पराग कण होंगे ठीक है। तो देखो ठीक है, प्लांट तो एक है लेकिन फूल अलग अलग है, कौन सा है, जुटेनोगैमी है ना, कौन सा जुटेनोगैमी। अच्छा दिख तो रहा है तुमको, तो कैसा दिख रहा है, जैसे पर परागण होता हो है ना, क्योंकि एक फूल के अंदर है तो हो रहा है। तो ये कार्यात्मक रूप से फंक्शनली पता है कैसा है, ये फंक्शनली, फंक्शनली मतलब क्रियात्मक रूप से, जैसे इसकी करने की क्रिया है, फंक्शनल रूप से क्या है, पर परागण, पर परागण कैसा है, फंक्शनली पर परागण है। लेकिन ये जेनेटिकली, जेनेटिकली मतलब अनुवांशिक रूप से, कैसे अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से सब परागण, सब परागण। क्यों कह रहा हूं मैं अनुवांशिक रूप से सब परागण, क्योंकि ये एक ही तो प्लांट है, तो जो इस फूल के गुण होंगे ना, वही उस फूल के गुण होंगे, ऐसे समझो ना, क्योंकि जो ये फूल तो दोनों एक ही है, मतलब दोनों फूल एक ही तो प्लांट के हैं, तो जो जीन इसके होंगे वही जीन इसके होंगे ठीक है, जो जीन इसके होंगे, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकेगा कि इस फूल में बीमारी हो सके, इसमें नहीं हो सकती, लेकिन जेनेटिकली ये सेम है ठीक है। ऐसे होंगे जितने इसमें गुणसूत्र होंगे इतने इसमें होंगे गुणसूत्र ठीक है, बहुत सारी इसमें सिमिलरिटी होंगी, इसमें जेनेटिकली परागण है और फंक्शनल है, देखने से अगर देखोगे तो दो पर परागण ऐड कर लेना, जो क्या होता है परागण होता है, कार्यात्मक रूप से समझ में ना आए, अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसके बाद थोड़े थोड़े पॉइंट बता रहा हूँ कि हाँ शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, उसके बाद बस तुम्हें क्या बनाना है, उसका पूरा सेंटेंस बनाना अगर जाके ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रकार कौन सा था तुम्हारा, जीनोगैमी है ना। जीनोगैमी में क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट होंगे, अलग अलग फूल होंगे ठीक है, एक फूल से दूसरे पादप के फूल पर क्या होगा, परागकणों का स्थानांतरण होगा, उसे क्या कहते हैं, जीनोगैमी ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाए तुमको, परागण के कारक, मतलब किन किन कारकों से होता है, दो कारक थे, एक तो था जीवीय कारक, एक था अजीवीय कारक। जीवीय में आते हैं जंतु, एनिमल्स ठीक है, और अजीवीय में कौन कौन से आते हैं, वायु और जल ठीक है। इसमें अजीवीय में भी सबसे कॉमन कौन सा था, वायु वाला, जल वाला था, जो जल परागण था वो सिर्फ किसने, 30 वंश तक सीमित है, कितने वंश तक, 30 वंश तक सीमित है। जो तुम्हारा वायु परागण है ना, वायु परागण किसमें होता है, मेनली मोनोकोट में, किसमें, घासिस में या मोनोकोट में है, घासिस में तो होता है, ग्रासिस में, घास में होता है मेनली वो ठीक है। उसके बाद इसमें जो पराग कण होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और चिपचिपाट रहित होते हैं, कैसे होते हैं, चिपचिपाट रहित होते हैं। और इसमें जो फूल होते हैं ना, ना वो तो मकरंद पैदा करते हैं, ना सुगंध पैदा करते हैं, ना रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, वो कैसे होते हैं, कलरलेस ठीक है, कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। जो पराग होती है वर्टिकाग्र होती है वो कैसी होती है,
वर्तिकाग्र, पंख पंखनुमा होती है ना वर्तिकाग्र, ताकि आसानी से वो क्या पकड़ सके, ठीक है। और क्या बताया था मैंने तुमको, इसमें जो अंडाशय होता है उसके अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं, एक लास्ट लाइन लिखवाई थी ना, उसके अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं लिखवाया था। इसका एग्जांपल कौन था, भुट्टा था ना इसका एग्जांपल, है ना, भुट्टा। भुट्टे में जो आपको टार्सस देखते हैं फफूंदे, वो क्या होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका वर्तिकाग्र वर्तिका होती है। और बताओ इसमें कुछ, उसके बाद इसमें जलपरागण में आया, जलपरागण हो गया हाइड्रोफिलिक, उगेगा तो नीचे से ऐसे डंठल की तरह जाएगी उसकी पराग को, वो वर्तिकाग्र कैसे जाएगी, डंठल की तरह जाएगी और बाहर निकल जाएगी। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया क्या था वो, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इसमें जो वर्तिकाग्र होती है वो जमीन के नीचे, उसमें से जल में से, जल के नीचे से ऐसे बाहर आएगी, ऊपर ऊपर की तरफ आएगी, और जो परागकण होंगे वो जल के ऊपर ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, जल के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, और कुछ एक अंत में जाके क्या हो जाएंगे, वर्तिकाग्र से मिलेंगे और क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ये था वेलिस्नेरिया, ठीक है। और एक था जोस्टेरा, क्या था, जोस्टेरा, जोस्टेरिया पूरी तरीके से क्या होता है, पानी के अंदर ही होता है उसका, पूरी तरीके से पानी के अंदर उसका जो पौधा होगा ना, मतलब वर्तिकाग्र होगी, वर्तिकाग्र भी पानी के अंदर रहेगी, है ना, वर्तिकाग्र भी पानी के अंदर ही रहेगी, और जो परागकण होंगे ना वो भी कहाँ रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे, और अंत में आके कुछ एक उससे मिलेंगे वर्तिकाग्र से, और क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें एक इम्पोर्टेंट वो बताया था तुमको पॉइंट, इनको परागकण जो होते हैं ना, जो जल के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं उनमें जो परागकण होते हैं उन्हें गीला होने से बचाने के लिए एक परत का नाम बताया था, कौन सी थी परत, श्लेष्मा, कौन सी थी, श्लेष्मा। और बताओ इसमें, मैंने एक पॉइंट लिखा था तुम्हें नोट करके, बताओ क्या लिखा था इसमें, जो स्टेरा हो गया, अच्छा नोट किया, जो स्टेरा हो गया, नोट करके लिखवाया था तुमने, किसी ने पांच लिखवाए थे मैंने, एक बाद में बताया था मैंने, बाद में बताया था मैंने एक, उसका वनस्पति नाम वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला लिखाया था मैंने तुम्हें, है ना, हाइड्रिला दोनों में सेम होता है उसमें, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला।
और दोनों कौन से फ्रेश वाटर में होते हैं ना वो, और जूस्टेरा मराइन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, मराइन। अच्छा अब नंबर थ्री का तुम्हारा वो कौन सा रहेगा, तुम्हारा जंतु प्रकरण है ना, तो हेडिंग डालो तुम्हारा एनिमल पोलिनेशन, जंतु परागण। जंतु परागण में मेन तुम्हें पता कौन सा पढ़ना है, कीट परागण, ठीक है। तो जंतु परागण में लिखो लिखो अधिकतर अधिकतर पुष्प जंतु द्वारा पोलिनेट होते हैं, जंतुओं द्वारा पोलिनेट या परागणित होते हैं, जंतुओं द्वारा परागणित या पोलिनेट होते हैं। और जो मैं आज काम दूंगा ना वो मुझे कल को चाहिए, तुमने मतलब सेंटेंस भी बना दी तुमसे लिखा नहीं जा रहा, क्या करके खाओगे तुम। जंतुओं द्वारा अधिकतर जो पुष्प होते हैं ना वो किसके द्वारा परागणित होते हैं, जंतुओं द्वारा परागणित होते हैं, जैसे 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 छिपकली, छिपकली भी करती है, ठीक है। एक होता है लेमूर, लेमूर लेमूर लिखो बताऊंगा, बंदर भी करते हैं, बंदर लिख लो, उसके बाद मधुमक्खी, मधुमक्खी बी है ना, हनी बी, फ्लाइस, फ्लाइस मतलब FLIES, फ्लाइस मतलब मक्खी, मक्खियां, एक मधुमक्खी एक मक्खियां, ठीक है। मौत, मौत 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 नहीं मौत मौत मौत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मौत और यक्का प्लांट है ना। अरे रुक तो जा, एक आगे ना जो लास्ट वाले चैप्टर है तुम्हारे, जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है तुम्हारा, उसमें ना एक जगह ये टॉपिक आता है उसमें कि मौत और यक्का प्लांट है ना, उसका उदाहरण देके समझा रखा है। ये अपना जीवन ना मतलब अपना दोनों जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो दोनों एक दूसरे के बिना वो नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे के बिना। तो ऐसे मतलब ऐसी जो वो होती है, ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं। तुम्हारा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया था, मतलब पहली बार ही आया था यहाँ से क्वेश्चन, इसी साल आया लगता था कि जो मौत होता है और ये क्या होता है, दोनों में सौकारिता होती है, कॉमनसेलिज्म होता है, कॉमनसेलिज्म का मतलब होता है जिसमें दोनों को फायदा हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कारण दे रखा था कि क्योंकि जो यक्का हो ये मौत हो, मौत जो अपने अंडे देता है ना वो यक्का प्लांट के अंदर देता है, क्या बात, ये सही है। और दोनों उसमें मतलब असर्शन भी सही था उसमें और कारण भी उसका सही था, दोनों सही थे। वो यही पूछ रखा था कि असर्शन मतलब असर्शन ऊपर था, रीजन नीचे था, कथन ऊपर दे रखा था, उसका कारण नीचे दे रखा था। दो क्वेश्चन आए थे असर्शन और रीजन के, एक एक नंबर में, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसे क्वेश्चन, पहली बारी बना था वो इस टाइप का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे और उसमें बताऊंगा वो कहाँ से आए थे, ठीक है। मौत लिख लिया ना तुमने, और क्या हो सकता है, पंकी बंदर वगैरह चिंपैंजी वगैरह भी करते हैं वैसे, अब इसमें हेडिंग डालनी तुमको कीट परागण, पढ़ना क्या तुमको कीट परागण, कीट परागण इंग्लिश में इंसेक्ट पोलिनेशन, क्या इंसेक्ट पोलिनेशन, क्या बोलते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन, और इसको ऐसे बोलते क्या है साइंस की लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं एंटोमो। फिर याद रखना वायु परागण को
एनिमोफिली, ठीक है, जल परागण को हाइड्रोफिली, कीट परागण को एंटोमोफिली, बोलिए क्या है वो, क्या तोर से बोल, एंटोमो, हाँ एंटोमोफिली, ठीक है मैडम, एंटोमोफिली क्या मतलब है इसका, कीट परागण है ना, एंटोमोफिली, ठीक है, कीट परागण में क्या होता है, एंटोमोफिली। अच्छा, जो कीट परागित जो पुष्प होते हैं, जो ये पुष्प होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं ना, यहाँ देखो, यहाँ 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 कलर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब रंगीन, कैसे होते हैं, रंगीन, ठीक है, कलर्ड, और ये क्या पैदा करते हैं, मकरंद, और क्या पैदा करते हैं, सुगंध, ठीक है, ठीक है, क्या जरूरत है इनको, मकरंद, सुगंध, रंगीन होने, क्या जरूरत है इनको, ताकि भाई किसके लिए सजा, ताकि आकर्षित कर सके, है ना, बस आकर्षित तो करना, ठीक है, तो इसलिए कैसे कैसे हैं, तो इसलिए तो ये रंगीन हो रहे, अगर इनका कोई कलर ही नहीं होगा। अच्छा, पानी में देखो, पानी में कोई कलर था उनका, कलर था क्या, कलर था क्या, कलर लेस थे, व्हाइट, ब्लैक, कुछ भी, कलर, हाँ सुंदर सुंदर, है ना, और क्या पैदा कर रहे, नेक्टर, मकरंद, ठीक है, नेक्टर, मकरंद, और क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, ठीक है। उसके बाद इच्छा, इसमें देखो, जो ये फूल होंगे, पहले तो ये देख लो, जो इसमें पोलिनेटर होते हैं, पोलिनेटर, पोलिनेटर पता किसे कहते हैं, पोलिनेटर वो होते हैं जो मतलब इनको पोलिनेट करेगा, जैसे अभी मैंने तुमको बताया कीट पतंगे, ये जो भी बताया तुमको, ये पोलिनेटर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, पोलिनेटर, ठीक है। तो जैसे ही कोई पोलिनेटर इन फूल के पास आता है, जैसे ही कोई पोलिनेटर या कोई कीट, ऐसा समझ लो कोई कीट, तो कीट परागण पढ़ते हैं, तो जैसे ही कोई कीट इन फूलों के पास आएगा ना, जैसे ही कोई कीट इन फूलों के पास आएगा, तो ये क्या करते हैं, ये फूल ना उसको रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं। जैसे कोई इनके पास आया, भाई ये बढ़िया सुंदर रंग बिरंगी, ठीक है, इन्होंने आकर्षित कर लिया, वो बेचारा फ्लैट हो गया है। उसके बाद जैसे ये आए इसके पास, इन्होंने फिर फिजूल में इनाम भी दे दिया, क्या यार कुछ नहीं है इनकी इज्जत है। सब लुटा रहे हैं ये फूल, ले जा ले जा। वो ले गया, ठीक है, तो क्या दे दिया, क्या इनाम दिया, अभी तो ये तो नहीं बताया क्या देगा, ठीक है, क्या दिया, इनाम देते हैं ये, तो इनाम के रूप, इनाम के रूप में पता क्या देते हैं, एक तो देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बता, एक मतलब नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऐसे कीट परागण वाले जो पुष्प होते हैं ना, वो जो पोलिनेटर होता है, पोलिनेटर होगा मतलब जो कीट उसके पास आएंगे, मतलब क्या देते हैं फूल, क्या देते हैं रिवॉर्ड, कौन सा होता है वो, तो पहला रिवॉर्ड याद रखना तुम, ये रिवॉर्ड है इनाम, रिवॉर्ड इनाम, ठीक है। पहला तो होता है परागण, ठीक है, पोलन, दूसरा क्या होगा, नेक्टर, समझ आ गया, क्या देंगे,
परागकण और नेक्टर, ठीक है, पोलन ग्रेन और नेक्टर मकरंद देंगे, ठीक है, आगे समझे। अब पूछो अभी, अच्छा तो जैसे कि कोई कीट उसके उसने क्या इनको इनाम दिया, ठीक है, पहले तो अपने आप कर रहा है उसे इनाम भी दे रहा है, इसका खत्म तो कोई भी नहीं है, भला अपने आप रंग बिरंगे को आए पैदा कर रहा, अब फिर उसके अभी अपने पास बुला रहा, ठीक है, अभी वोट दे रहा, क्या फायदा होगा आपसे, फायदा होगा कुछ अब दूसरे फूल बहुत मतलब बढ़िया और सुंदर है, वो बढ़िया रंगीन है, बढ़िया उसके भी कलर कलर बढ़िया है, ठीक है। तो वो उसके पास गया, उसने क्या कहा, जैसे ही वो उसके उसके ऊपर बैठा, जैसे ही वो उससे इनाम ले रहा था, तो वो जो उसके शरीर पे क्या थे, परागकण थे, वो कहाँ उस प्रतिकाग्र पे चले गए, और ऐसे क्या होगा, परागकण हो गया है ना, परागकण हो गया, क्या हो गया, ठीक है, परागण हो गया। तो समझ आया क्या होता है इसमें, इन वाले पुष्प में कलर होते हैं, मकरंद होता है, सुगंधित होते हैं, और क्या देते हैं, ये रिवॉर्ड देते हैं, कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, कीट परागण को जनरली क्या कहते हैं, एंटोमोफिलिक, ठीक है, कीट परागी जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं, मकरंद होता है, मकरंद होता है और सुगंधित होते हैं, ठीक है, जैसे ही कोई कीट, जैसे ही कोई कीट, यहाँ तो तुम बता रहे हो, अगर ये वीडियो अपलोड ना हुई और कल को तुम लिख कर ना लाए, वैसे तो होने की नहीं आज ये वाली वीडियो अपलोड होगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि पिछली दो भी रह रही है ना, जब मैं भेजूंगा वहां से थंबनेल, उसके बाद भाई जी अपलोड करेंगे और मैं भेजने का, ठीक है, तो तुम इसलिए ध्यान से सुन लियो, इसलिए इसको ध्यान से सुन लियो, ठीक है, और जो मैं बता रहा वही लिख के लाना, कभी किताब में से चेप के ले आओ, ठीक है। तो जो ये फूल है, ठीक है, तो कीट परागित पुष्प रंगीन होते हैं, मकरंद होता है, मकरंद पैदा करते हैं और सुगंधित होते हैं, कीट परागित पुष्प जैसे ही मतलब जो कीट होते हैं, कीट जो होंगे वो जैसे ही इन पुष्प के पास आते हैं, जैसे ही इन पुष्प के पास आते हैं, तो पुष्प मतलब ये फूल जो होते हैं वो उनको इनाम देते हैं, कौन कौन से इनाम देते हैं, परागकण और नेक्टर मकरंद प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे ही यह कीट किसी दूसरे उड़ाई ना, वही दूसरे पादप के पास जा सका, और उसे वही फूल बढ़िया लग गया तो उसका भी तो कर सका वो परागण भाई, कर नहीं सकता क्या, तो वो क्या कहलाएगा, वो सब परागण हो जाएगा, कहीं और जाओगा तो फिर तो वो ठीक है, तो उसे क्या पता वो वहीं बैठ जाए, उसकी मट्टी का भी चल जाए, क्या होगा, इतना अच्छा, इसमें से क्या हो गया, कल को लिख कभी लाना है वो, बंद कर दे, ये तो हो गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब देखो रंग द्वारा और फ्लाइस मक्खियों के द्वारा जो फूल कैसे हों, फूल जो क्या होंगे, परागित होंगे,
पॉलिनेट होंगे इनके द्वारा, मक्खियों के और किसके द्वारा, बीटल्स के द्वारा। नोट करके लिखना है, ठीक है। जो पुष्प मक्खियों के, जो पुष्प लिख लोगे ना, जो पुष्प मक्खियों के और भ्रंग के द्वारा परागित होते हैं वो पुष्प ना मलिन गंध पैदा करते हैं, मलिन गंध पैदा करेंगे। कौन सी गंध? मलिन गंध, फाउल ऑर्डर, ठीक है, फाउल ऑर्डर, ठीक है। कौन सी ऑर्डर? कीट परागित जो रूप में मेनली जनरली करते हैं फिलस या अमोर्फोफाइलस, ठीक है। अमोर्फोफाइलस इसका जो फूल होता है वो पता कितने फिट का होता है? 6 फिट का। कितने फिट का? टोलेस्ट फूल है, टोलेस्ट सबसे लंबा फूल, टोलेस्ट फ्लावर, ठीक है भाई। अमोर्फोफिलस जो प्लांट है ना उसका जो फूल है वो 6 फिट का होता है, ठीक है, टोलेस्ट फ्लावर है, सबसे लंबा फ्लावर है। ये रिवॉर्ड पता क्या देता है? रिवॉर्ड क्या देता है ये पता क्या देता है? ये एग के लिए ना, अंडे के लिए, एग के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा उस कीट को, सुरक्षित स्थान, ठीक है। क्या करेगा ये अमोरोफिलस जो प्लांट होता है इसका जो फूल हो वो सबसे लंबा हो, 6 फिट का, टॉलेस्ट फ्लावर है ये अब तक का 6 फिट का, याद रखना इसका नाम, सबसे लंबा फूल किसका हो? अमोरोफिलस का, ठीक है। और ये रिवॉर्ड के रूप में सब तो देते हैं, इनाम के रूप में या तो देंगे मकरंद, नेक्टर और परागकण देते हैं, लेकिन ये क्या देता है? अंडे के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा, ठीक है, अंडे के लिए सुरक्षित स्थान। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, उसका दे रखा है यक्का का, जो मैं भी बता रहा था तुम्हें, यक्का ये पादप का नाम है, ये है प्लांट तुम्हारा, ठीक है, और मोथ ये है तुम्हारा कीट, ये कीट है, ठीक है। यक्का तो तुम्हारा पादप है और ये क्या है? कीट, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है ना वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे भाई हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है ना, जीवन जो चक्र है, ठीक है, वो बस इनका पहले लिखा हुआ, ठीक है, इनका भविष्य इनके साथ ही, जो ये पादप है यक्का और मौत, ठीक है। ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट है, ये यक्का को पता क्या देता है? यक्का मतलब जो यक्का जो प्लांट है ये कीट को ना क्या प्रदान करेगा? अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा, अंडा देने के लिए क्या? सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। कौन? ये पादप है, पादप ये क्या करता है? मौत को अंडे देने के लिए, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान देने के लिए सुरक्षित स्थान, सेफ प्लेस, ठीक है, प्रदान करता है, प्रदान करता है। क्या बात हो रही? क्या पूछ रही? कुछ चक्कर है कैसा? और लाइफ साइकिल हो रही है अभी, कंप्लीट हो रही अकेले की है, तेरे से पूछ रहा अधूरी क्या अकेली, ठीक है। देखो अधूरी नहीं है, इनकी तो अधूरी, वही तो पूछ रहा था मैं, यही वही वाला हाल है। अच्छा, यही बड़ा हाल है, ठीक ठीक समझ गया मैं, ठीक है। तो इनके बीच यक्का के और मौत के बीच ना, यक्का के, यक्का पादप है और मौत जो है कीट है, इनके बीच आपस में ऐसा संबंध है, इनका जो जीवन चक्र है ना वो एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। यक्का जो पादप है वो क्या करता है? मौत को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, और जो ये कीट है ना, कीट है ये पता क्या करेगा? जैसे ही क्या करेगा ये? जैसे ही इसमें अंडे देगा ना, जैसे ही किसमें? इसमें यक्का जो प्लांट है इसमें जैसे ही अपने अंडे देगा, देता है तो
परागण, परागण हो जाता है। जैसे ही इसने अपने अंडे दिए, ये क्या कर देगा, इसके शरीर पे जो भी क्या होंगे परागकण वगैरह होंगे वो उसमें गिर जाएंगे यक्का प्लांट के अंडाशय में, और क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसने अपने अंडे दिए, किसमें दिए अंडे, यक्का प्लांट के अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना कौन किसको क्या देता है। यक्का प्लांट जो है वो मौत को क्या देता है, सुरक्षित रहने के लिए अंडे प्रदान करेगा, मतलब सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा अंडे देने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, ये कीट जैसे ही अंडे देगा तो परागण हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है तुमको, परागण इसमें देखो कब होता है, जैसे ही अंडाशय, जो इसका ये है ना अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय से क्या बनेगा, बीज बनेगा। किसके अंडाशय से बीज बनता है, किसके अंडाशय से, यक्का प्लांट का जो अंडाशय है ना, इस यक्का प्लांट का जो अंडाशय है, जैसे ही उससे बीज बनेगा भाई, परागण तो हो गया, परागण के बाद अब क्या बनना, निषेचन होना, निषेचन होने के बाद तुम्हारा, मैंने बताया तुम्हें बीजाण से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। अंडाशय के अंदर ही तो होगा बीजाण, तो अंडाशय के अंदर जो बीजाण होगा उससे क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो और उसी समय पे दोनों एक साथ होते हैं, जैसे ही यक्का प्लांट के, यक्का प्लांट के अंडाशय से बीज बना, वैसे ही मौत जो होता है ना, मौत जो होता है इससे पता क्या बनते हैं, लार्वा, क्या निकलता है इससे, मौत से क्या निकलेगा, लार्वा। तो ये दोनों स्थिति ना, दोनों मतलब दोनों चीजें एक ही समय पर होती है, जैसे ही यक्का जो प्लांट होता है उसके अंडाशय से क्या निकलेगा, बीज निकलेगा, ऐसे ही जो कीट होगा ये वाला मौत होगा वो क्या, इससे क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। तो दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी भाई। तुम्हें अच्छा देखो, ये पता है तुमको बीज क्यों बनता है, किसी प्लांट में बीज क्यों बनता है, पता, अब तुम्हें लेक्चर नंबर, फैल के बैठ रही बिल्कुल भाई, कॉपी में लिख लियो इसे जो मैं बताऊंगा रहा, मैं अब तुम्हें, तुम्हारे भरोसे तो मैं छोड़ना नहीं, मैं ही थ्योरी लिखवा के भेजे करूँगा तुम्हें, बस तुम्हें याद करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर कितना तुम्हारा, 8। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तुमने स्वपरागण पढ़ा, तुमने परपरागण पढ़ा, ठीक है। अगर तुम्हें स्वपरागण ही कराना किसी पुष्प में, किसी पुष्प में तुमको क्या कराना, स्वपरागण, तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, मतलब जो ऑटोगेमी होती है, स्वपरागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसके लिए तुम क्या अनुकूलता हो सकती है, अनुकूलता मतलब जिसमें सिर्फ स्वपरागण ही हो, जिसमें सिर्फ स्वपरागण ही हो, पुष्प को ऐसा क्या विकसित करना पड़ेगा अपने अंदर कि सिर्फ उसमें क्या हो, स्वपरागण हो, मतलब स्वपरागण के लिए अनुकूलता पूछता है वो, एक नंबर में या दो नंबर में, ठीक है। तो स्वपरागण के लिए अनुकूलता कौन कौन सी होगी, देखो सबसे पहले अगर कोई फूल ही कैसा है, द्विलिंगी है, ठीक है, कैसा है, कोई फूल द्विलिंगी है, मानने की बात, ये कोई फूल है, ये कोई फूल है यहाँ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये वाले होंगे इस तरीके से वो पुंकेसर, और ये बीच वाला जो है ना, ये क्या होगी, स्त्री केसर, ठीक है। अच्छा इसमें दोनों चीजें, स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, तो ये द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, इसमें दोनों जनन अंग है, मादा जनन अंग भी और नर जनन अंग भी, तो ये कैसा पुष्प है, द्विलिंगी, ठीक है। और जिसमें इन दोनों में से केवल एक होगा, कोई क्या होगा, केवल एक, अगर इनमें से क्या हुआ, एक हुआ, किसी पुष्प में अगर कितना हुआ, एक हुआ किसी पुष्प में, अगर केवल ये वाली चीज हुई, ये क्या है, स्त्री केसर, कैसी है ये, स्त्री केसर, तो ये क्या होगा, ये एकलिंगी पुष्प हो, कैसा हो ये, एकलिंगी पुष्प हो। अच्छा अगर किसी में केवल और केवल, केवल और केवल नर जननांग है, कौन सा जननांग है, नर जननांग, ठीक है, कौन सा जननांग, तो ये भी कैसा कहलाएगा, एकलिंगी, कैसा कहलाएगा, एकलिंगी। दोनों में से अगर नर या मादा जननांग अगर दोनों एक ही फूल में, किसमें, एक ही फूल में, तो वो क्या कहलाएगा, फूल द्विलिंगी, ठीक है। अगर एक एक फूल में सिर्फ एक ही लिंग है, मतलब या तो नर जननांग है या कौन सा मादा जननांग है, तो वो फूल क्या कहलाएगा, एकलिंगी, क्या कहलाएगा, एकलिंगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, कौन सा, बाई, बाई का मतलब वो दो, ठीक है, और सेक्सुअलिटी मतलब लिंग से, मतलब लिंग से संबंध है उसका, बाईसेक्सुअल, ठीक है, कौन सा फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प।
जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं, ये समझ आ गया। ये जो फूल होते हैं ये कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन से होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लिंगी फ्लावर, ठीक है, एक लिंगी पुष्प, समझ आ गया। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हो, वो पादप तो कैसा होगा द्विलिंगी, पादप कैसा होगा द्विलिंगी, लेकिन फूल कैसा होगा एकलिंगी, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो फूल ही द्विलिंगी है, इसके फूल में ही क्या है, दोनों मतलब स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी है, ठीक है, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें इसके फूल में या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, ठीक है, सिंपल सी बात है, फूल में है ये, मैं फूल की बात कर रहा हूँ। अब कोई प्लांट है ऐसा, अब ये प्लांट कोई ऐसा है, एक प्लांट तो एक ही है, लेकिन इसके एक फूल पे क्या है स्त्री केसर है, दूसरे फूल पे क्या है पुंकेसर है, तो अब मुझे ये बताओ ये पादप द्विलिंगी है या ये फूल द्विलिंगी है, ये पौधा द्विलिंगी है ये पादप द्विलिंगी है ना, ये पादप द्विलिंगी है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये फूल द्विलिंगी नहीं है, ठीक है, ये पादप द्विलिंगी है, ये समझ लेना। इसका एग्जांपल बताऊंगा अभी, पहले ये समझ लो, तुम मैं बता रहा हूँ इसका एग्जांपल सारे समझ लो, पहले तुम्हें मैं डिफरेंस क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ ये आएगा इसका एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन ना लो तुम। ये वाला द्विलिंगी पुष्प, ये द्विलिंगी पादप, ये द्विलिंगी, ये द्विलिंगी पुष्प, ये एक लिंगी या एक लिंगी पादप, क्योंकि इसमें एक ही फूल है, एक ही होगा, और इसमें एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी पादप, समझ आ गया। अब मुझे देखो, अब क्या कराना है मुझे, मुझे कराना स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं, अनुकूलताएं, स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं, ठीक है, स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं, कितने बोल रहे बच्चे, पता रखा पूरा यार इन्होंने, स्वपरागण के लिए अनुकूलता है, मतलब मुझे क्या कराना है, सिर्फ और सिर्फ स्वपरागण कराना, मुझे परपरागण नहीं कराना है। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए क्या होना चाहिए, जो फूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, कैसा होना चाहिए, स्वपरागण क्या हो, स्वपरागण क्या हो, जब पराग कोष से पराग कणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प से, एक ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या आता है, आएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, स्वपरागण होता है, क्या होता है स्वपरागण, मतलब पराग कोष का एक ही पुष्प के पराग कोणों से, ठीक है, जो एक ही पुष्प होगा उसके पराग कोष से उसके पराग कोणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जो पराग कणों का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। अच्छा देखो, ये भी स्वपरागण हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें भी हो सकता है, हो सकता है इसमें स्वपरागण, कौन सा स्वपरागण होगा इसमें, जुटेनोगैमी, सजाते पुष्पी परागण, जुटेनोगैमी, अलग अलग फूल में नहीं होता, और इसमें सवयुग्मन है ना, तो वो भी दोनों एक ही तरीके के हैं, वो है तो सेल्फ पोलिनेशन है, तो स्वपरागण, पर परागण में कौन सा आता है, जब दूसरा प्लांट आ जाएगा, ठीक है, प्रजाति तो एक ही होगी लेकिन क्या जाएगा, दूसरा और प्लांट दूसरा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लांट दूसरा आ जाएगा, तो स्वपरागण के लिए पहली अनुकूलता फूल कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, दूसरा समकाल पक्वता, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिंक्रोनाइजेशन, समकाल पक्वता, इसका मतलब होता है, जो समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है, देखो जिसमें नर और जो मादा जननांग होते हैं, नर और जो मादा जननांग होते हैं वो दोनों एक साथ क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, नाम से पता चल रहा भाई, नाम से पता चल रहा ना, समकाल पक्वता, क्या समकाल पक्वता, सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, इसमें जो नर जननांग होता है किसी पुष्प में और जो मादा जननांग होते हैं वो दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर तीन बताओ मुझे, कोई क्या हो सकता है,
सोचो अपने आप में, सौ प्रॉब्लम क्या सोच सकता है। नंबर तीन बताओ, सोच के बताओ, सौ प्रागण कैसे करवा सकता हूं मैं, बताओ। दिमाग लगाओ अपना, दिमाग कैसे हो सकता है और सौ प्रागण, फूल में और क्या चाहिए है मेरे को बताओ, बताओ और क्या कर सकता हूं मैं फूल में, और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हूं। अच्छा चलो ये तो हो गया, अब मुझे ऐसे ही जैसे सौ प्रागण के लिए अनुकूलता लिखी मैंने, दो लिखी, पर प्रागण के लिए अनुकूलता, पर परागण, पर प्रागण के लिए लिए अनुकूलताएं, पर प्रागण के लिए अनुकूलता जो है ना, इन्हें पता क्या क्या है, बही जनन युक्तियां, जनन युक्तियां मतलब ऐसी युक्तियां, इसमें बता रहा हूं देखो, ऐसी युक्तियां क्या क्यों से एकदम बही जनन युक्तियां, इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ई आएगा यार डिवाइसेस, डी ई वी आई सी ई एस, ठीक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हाँ देख लो भाई, हाँ क्या देख लिया, फिर भी नहीं पता तुम्हें इसमें एक और पॉइंट क्या, ये बहिर्जनन युक्तियां या पर प्रागण के लिए अनुकूलता, पता क्या हो पर प्रागण के लिए अनुकूलता, इसमें द्विलिंगी प्लांट है, इसमें कैसा होना चाहिए, नंबर एक एक लिंगी कैसा होना चाहिए, दूसरा इसमें समकाल पक होता है, दोनों एक ही समय पर पक रहे, इसमें उसे क्या बोल लेंगे, विषम काल पक्वता, विषम काल पक्वता, विषम काल पक्वता। अच्छा अब तीसरा बताओ ना, ये तो फंस रहे थे, एक होती है सौ बंध्यता, सौ बंध्यता, सौ बंध्यता, सौ बंध्यता का मतलब पता क्या हो, अच्छा इन दोनों का मतलब पता तुम्हें, एक लिंगी का ठीक है, विषमकाल पक्वता का मतलब पराग कोष और जो, या फिर ऐसे कहते हो जो स्त्री केसर है या पुंकेसर है या नर जननांग या मादा जननांग, दोनों अलग अलग समय पर पकेंगे, परिपक्व होंगे ठीक है, अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे ठीक है। और इसमें सौबंध्यता में क्या कहेंगे, सौबंध्यता में, सौबंध्यता में पता क्या हो इसमें सौबंध्यता में, जैसे कि मेरे पास कोई द्विलिंगी प्लांट है, कैसा है भाई, द्विलिंगी है, द्विलिंगी प्लांट है मेरे पास कोई, अब इस द्विलिंगी प्लांट में मुझे कराना है पर परागण, क्या कराना है पर परागण, तो इसमें कुछ ऐसे अनुवांशिक क्या होंगे, अनुवांशिक 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 परिवर्तन होते हैं इसमें कुछ, तो अनुवांशिक परिवर्तन पता क्या होते हैं, जेनेटिक चेंजेस ठीक है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं इसमें। द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प क्या कर सकता है, सौपरागण कर सकता है, कर सकता है द्विलिंगी पुष्प सौपरागण कर सकता है, लेकिन कुछ प्लांट ने ऐसा मैकेनिज्म कर लिया, कुछ प्लांट ने ऐसा मैकेनिज्म उत्पन्न कर लिया कि जो उनके खुद के परागकण हो ना, वो खुद के परागकण हो, जैसे ही वो वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, जैसे ही वो वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसमें से क्या निकलते, वर्तिकाग्र पर जैसे कोई परागकण निकल गिरा ना, तो उसमें से पराग नलिका निकलती है, जहाँ जनन छिद्र हो ना, जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है, तो वो पराग नलिका नहीं निकलती इसमें, मतलब वो ना खुद के जो परागकण है उनको नष्ट कर दिया इसमें, ऐसी जेनेटिक वो परिवर्तन, अनुवांशिक परिवर्तन हो इसमें, तो उसे पता क्या बोलो, सौ बंध्यता, सौ मतलब खुद, बंध्यता मतलब खुद बंध्यता होगा ठीक है, सेल्फ स्टेराइल हो गया वो, सौ बंध्यता। नंबर चार होती है होमोगैमी, होमोगैमी, होमोगैमी क्या ले, हर को गैमी नहीं, अलग अलग है, हर को गैमी ठीक है,
एक हर्गोगैमी हो, एक हो हेट्रोस्टाइली, हेट्रो स्टाइली, हेट्रोस्टाइली। अच्छा हर्गोगैमी पता क्या हो, हर्गोगैमी और हेट्रोस्टाइली। हर्गोगैमी में क्या हो, हर्गोगैमी है, इसमें भी द्विलिंगी पुष्प हो, क्या हो इसमें भी द्विलिंगी पुष्प हो, तो इसमें तो होता है अनुवंशिक, अनुवंशिक चेंज होता है, इसमें होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक मतलब इसमें ना फिजिकल रूप से, फिजिकल रूप से क्या करोगे तुम इसमें, उसको परागकणों को वृद्धि कागर पे गिरने से बचाते हो फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से, ठीक है। और इसमें अनुवंशिक रूप से उसमें वो मतलब जर्मिनेट ही नहीं करते। हाँ इसमें गिर तो जाएंगे, वृद्धि कागर पे गिर जाएंगे लेकिन जर्मिनेट नहीं करेंगे, अंकुरित नहीं करेंगे, इसमें तुम गिरने ही नहीं दोगे भौतिक रूप से। उनको अलग अलग, उनकी कुछ संरचना अलग अलग होती है। देखो कुछ परागकण ऐसे हो, ऐसे ऐसे कुछ, तो इनकी भौतिक संरचना में परिवर्तन आ जा। ऐसा एग्जांपल दे रखा है इसमें कैलोट्रोपिस का, धतूरा। अभी तुम्हें एग्जांपल याद नहीं करने, ठीक है, जहां एग्जांपल बताने में बता दूंगा। एक लिंगी होना चाहिए फूल, विषमकाल पक्वता होनी चाहिए, सौबंध्यता। इसमें ये बताओ कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया मुझे चारों में से। एक लिंगी पता, विषमकाल पक्वता, सौबंध्यता पता, मतलब खुद के क्या होंगे जो परागकण होंगे वो क्या नहीं होंगे वर्तिकाग्र पर जर्मिनेट नहीं होने के, ये अनुवंशिक परिवर्तन के कारण हो, ठीक है। हर्गोगैमी क्या हो, हर्गोगैमी में द्विलिंगी पुष्प होगा, द्विलिंगी पुष्प सौबंध्यता में भी हो, इसमें भी द्विलिंगी पुष्प हो, लेकिन इसमें पराग जो वो हो ना परागकण हो उसको भौतिक रूप से क्या नहीं मिलने नहीं देते वर्तिकाग्र से, ठीक है, भौतिक चेंज हो इसमें। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली का मतलब पता क्या हो, हेट्रो का मतलब हो अलग अलग, हेट्रो एक हो होमो, होमो का मतलब हो सेम, और हेट्रो का मतलब हो डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो हेट्रो स्टाइली मतलब स्टाइल, क्या थी, हाँ वर्तिकाई तो थी स्टाइल, तो हेट्रो मतलब अलग अलग, स्टाइल मतलब अलग अलग स्टाइल, ठीक है, हेट्रो स्टाइली अलग अलग वर्तिका है, हाँ बस यही है। इसमें देखो इसमें हेट्रो स्टाइल में क्या होती है, इसमें कुछ पुष्प तो ऐसे होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होंगे जिनमें वर्तिकाग्र बड़ी होगी, ऐसी कुछ कुछ पैसे होंगे जिसमें ये वर्तिकाग्र बड़ी होगी, और जो परागकण होगा वो ऐसा छोटा होगा, परागकोष होगा, मतलब पुंकेसर होगा, ठीक है, वो छोटा होगा। अब दूसरे कुछ ऐसे पुष्प हों जिसमें ये वर्तिकाग्र हो, ये छोटी हो, मतलब ये वाली चीज है, ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर है, ये छोटा होगा लेकिन पुंकेसर क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसी को हेट्रोस्टाइली बोल रहा है, बस यही चेंज है। अच्छा जब ये एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे, एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे, अच्छा देखो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है इसके, ये परागकण, ये परागकोष है, ठीक है, परागकोष से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, वो ऊपर जाएंगे नहीं, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो मतलब उसमें सौ परागकण होने का ही नहीं है। तो सिंपल सी रूप से क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, सौ परागकण इसमें नहीं होने का, सौ परागकण यहाँ निचले वाले में, इसमें भी रोक नाम है सौ परागकण, हमें क्या करवाना परपरागण, उसके लिए अनुकूलता पड़ रहे हैं। इसमें भी कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, वहां भी नहीं मिलने दिया जाता इनको, बिचारों के जीवन में दुख ही दुख, मिलने नहीं दे रहा कोई ना है नहीं, अच्छा बस छोटे बड़े कर दिए फिर दिक्कत, छोटे बड़े यहाँ देखो, यहाँ क्या समझा रहा है, मैं क्या बताया मैंने अभी, हाँ अच्छा है, दुखी दुख है इनकी जिंदगी में, पर ये भी बेचारे किसी उम्मीद में बैठे होंगे कि हाँ कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई था होगा, कभी तो हमारे में परिवर्तन होगा, कभी तो हम अनुवांशिक परिवर्तन करेंगे, कभी तो हम सेम साइज के होंगे, है ना। तो लिखो यहाँ से लिखना शुरू करो, सौ परागण के लिए अनुकूलताएं, सौ परागण के लिए अनुकूलताएं, क्या बता रहा भाई, एग्जांपल यहाँ लिखवा दूंगा, क्या कह रही है, पढ़ दो पढ़ ना, ना क्यों बंद करनी, पहले लिखो सौ परागण के लिए अनुकूलताएं, सौ परागण के लिए अनुकूलताएं,
स्व परागण के लिए अनुकूलताएं। क्या बात हो रही थारी, क्या हो रही? चल सुना गाना, बंद कर दे भाई सर। सब प्रागण के लिए चुप हो जाओ, चुप। सब प्रागण के लिए अनुकूलता, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें, नंबर एक। अनुकूलता का मतलब क्या? मतलब जिस स्थिति में सब प्रागण होगा ही होगा, है ना? सब प्रागण इनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, सब प्रागण में, है ना? किस में रोक सका? अरे तू क्यों बननी कुबाब में हड्डी इनके मिलन में जो मिल रहा तुझे क्या दिक्कत हो रही है? इसमें नहीं उड़ेगा बंगन या सिंगर जरा सब प्रागण में इंगन को टोकता, सौ प्रांगण के लिए अनुकूलता। नंबर एक क्या लिखोगे? नंबर एक द्विलिंगी, द्विलिंगी, ठीक है। अब इसमें लिखो सौ प्रागित पुष्प, इसके आगे लिखना सौ प्रागित पुष्प में नर व मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है। एक लिंगी में इसमें लिखना, द्विलिंगी में सौ प्रागित पुष्प में नर व मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। बताया ना भाई, द्विलिंगी पुष्प उसमें क्या होगी? उसमें तो कोई रोक ही नहीं रहा उन्हें, एक ही पुष्प, नर में मन चाहिए जो करे, है ना? द्विलिंगी लिख लिया, बहुत हंसी आ रही तुझे। क्या लिखा इसमें? द्विलिंगी जो, मतलब जो द्विलिंगी लिखा है इसमें, इसमें क्या लिखा तुमने? जो सौ परागित पुष्प हो उसमें नर व मादा जनन दोनों एक ही पुष्प में हो, ठीक है। द्विलिंगी का मतलब पता चलेगा क्या हो? दूसरी एडिंग समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, इसे बोलते हैं होमोगैमी। हाँ, होमोगैमी, ठीक है, समकाल पक्वता, वो होमोगैमी। इसमें क्या लिखोगे? समकाल पक्वता, इसमें लिखो समकाल पक्वता, हेडिंग डाल ली नंबर दो पे, है ना? इसमें लिखना तुम्हें इसमें नर व मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, या ऐसे लिख लेना, ऐसे पुष्पों में नर व मादा जननांग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। नंबर तीन, मुझे इसमें ना तुमको एक और टॉपिक सा समझाना थोड़ा सा, इसलिए मैंने तुम्हें नंबर तीन नहीं बताया था। नंबर दो समकाल पक्वता होमोगैमी, इसमें क्या लिखा तुम्हें? इसमें नर व मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, मैच्योर एक ही समय पर होते हैं वो, ठीक है। सही भी तो है मैच्योर एक ही समय पर होना, है ना भाई? एक 25 साल का, एक 17 साल की, क्या होगा? कुछ भी नहीं है, नहीं सब एक ही समय परिपक्व होना चाहिए, वो ठीक रहा है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहा है, ठीक है ना? देखो जरा, अच्छा नंबर तीन, चुप हो जाओ क्या? यहाँ देखो नंबर तीन, चुप हो जाओ, चुप, यहाँ समझ लो, थोड़ा बाद में कर लियो मजाक मजूक। अब तुम्हारे दो तरीके के फूल हो, एक तो क्लिस्टोगैमस, क्या हो? एक हो चैस्मोगैमस, ठीक है भाई। एक हो क्लिस्टोगैमस, एक हो चैस्मोगैमस, जो फ्लावर हो ना वो खुले ही रहे हैं, मतलब उसमें जो
पुष्प होगा ना वो पूरे जीवन भर ऐसे खुला रहेगा, हंसी खुशी से खुला रहेगा। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर हो वो पूरे जीवन भर कैसा रहे, बंद रहे, मतलब कभी भी वो खुलता नहीं। अब मुझे ये बताओ सौ परागण के लिए अनुकूलता किस में ज्यादा बेहतर है, चेस्मोगैमस फ्लावर में या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में? निचले वाला हमेशा खुला बंद रहे, खुला खुला, चेस्मोगैमस हमेशा कैसा रहेगा, खुला, क्लिस्टोगैमस हमेशा कैसा रहेगा, बंद। अब किस में बढ़िया हो सकती है, ये तो बंद रहे और ये खुला रहे पूरे जीवन भर, ठीक है। अब मुझे सौ परागण कराना है, सौ परागण के लिए किस में होना चाहिए सौ परागण? हाँ मैं यार तुम कुछ खत्म भी हो गया यार, तुम खत्म हो कुछ, तुम खत्म हो कुछ यार। पर एक वहां सी दौलतपुर में, एक वहां सी धनोरी में, तो मिलने से बहुत कोई रोकेगा। अजब तुम एक ही कमरे में, फिर तुम कौन रोक रहा, पता यार तुम क्या सौ परागणी को, सौ परागण बता रहा है मैं तुम्हें। तो क्लिस्टोगैमस कैसे होंगे, बंद रहना हमेशा, तो सौ परागण किसमें बढ़िया होगा, इसमें होगा, तो ठीक है चलो क्लिस्टोगैमस। ओ भाई यार ये गलत हो गया यार मैंने, चलो बंद कर पहले से यार ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर हो ना वो हमेशा कैसे रहे, बंद, मतलब पूरे जीवन भर ना अपने पूरे जीवन में वो क्या नहीं होते, खुलते नहीं ऐसे, ठीक है, तो बंद रहेंगे, तो बंद रहेंगे। तो अगर वो द्विलिंगी पुष्प है, कैसा है द्विलिंगी पुष्प है, तो उसमें क्या होगा, नर जननांग भी और मादा जननांग भी दोनों एक ही साथ होंगे। तो जब वो आपस में ऐसे बंद है अंदर, ठीक है, तो परागण सौ परागण ही होगा। पर परागण में तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाने के नहीं, तो सौ परागण ही होगा उसमें। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर उसमें कैसा हो, हमेशा सौ परागण। तो लिख लो इसके एग्जाम्पल भी दे रखे तुम्हें, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर के ना, ये जो फ्लावर है इसमें क्या एग्जाम्पल है, ऑक्सैलिस कोमेलिना, कौन सा ऑक्सैलिस और कोमेलिना, एक हो रहा है मेरे याद नहीं आ रहा वो कौन सा है, एनसीईआरटी में दे रखा मेरे, वैसे तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं रखने इसके, हाँ एग्जाम्पल नहीं आने के। एक को तो बोलते हैं उन्मिल पुष्प, एक को बोलते हैं अनुन्मिल पुष्प, ये वाला जो है ना, ये वाला क्लिस्टोगैमस, इसको बोलते हैं अनुन्मिल पुष्प, अनुन्मिल पुष्प, अनुन्मिल पुष्प, यही है क्लिस्टोगैमस, यही है अनुन्मिल पुष्प, लिखो। अरे यही है जब मैं कह रहा अनुन्मिल पुष्प, वायोलार को, वायोला को कॉमन पैंसी बोलते हैं, वायोला, और वो भी होगा ऑक्सैलिस होगा, तीन है इसमें एग्जांपल, लिख लो ऑक्सैलिस कोमेलिना और वायोला, तीन एग्जांपल है इसके, लिख नहीं तुम्हें एग्जांपल नहीं याद रखने तुम। क्लिस्टोगैमस नंबर तीन, क्लिस्टोगैमस मतलब अनुन्मिल पुष्प, ऐसे पुष्प जो अपने जीवन भर में कभी भी नहीं खुलते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस। कौन से फूल कहेंगे, क्लिस्टोगैमस। याद रहेगा क्लिस्टोगैमस, सौ प्रागण भी याद रहेगा किस किस में होगा, अब तो नहीं भूलने के तुम, हाँ अब तो रहेगा ही याद थारे, ऐसी आदत पड़ रखी थी मैं याद करने की, मतलब एग्जाम्पल तो भाई जी भी तो ऐसे ही उदाहरण दे। हो गया भाई, अब उसके बाद लिखो पर परागण के लिए अनुकूलता, ऐसे स्लैश लगा के लिखना, बही जनन युक्तियां, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, लिखो परागण, पर परागण के लिए अनुकूलताएं, या स्लैश लगा के लिखो बही जनन युक्तियां, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है,
बहिर्जनन युक्तियां, बहिर्जनन युक्तियां लिखो। ऐसी युक्तियां, बहिर्जनन युक्तियां हो क्या है ना, अब मैं बता रहा हूं तो ऐसी युक्तियां हो ये जो किसे रोकेंगी, कौन से परागण को रोकेंगी, सब परागण को रोकेंगी और किसे होने देंगी, तो ये बहिर्जनन युक्तियां हो, लिख लो। ऐसी युक्तियां जो सब परागण को रोकती है तथा पर परागण को होने देती है या पर परागण को प्रोत्साहित करती है। एनसीईआरटी में लाइन है ये कि ऐसी युक्तियां जो सब परागण को हतोत्साहित, रोकने को लिख रखा उसमें हतोत्साहित करती है ना, और उसमें मतलब होने देती है उसको, उसमें लिख रखा उसमें प्रोत्साहित, ऐसे लिख लेना अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हतोत्साहित प्रोत्साहित लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें क्या लिखना है कि ऐसी युक्तियां जो सब परागण को रोकती है और पर परागण को होने देती है क्या कहलाती है, बहिर्जनन युक्तियां कहलाती है, ठीक है। और पर परागण के लिए अनुकूलताएं सबसे नंबर एक, एकलिंगी में लिख देना, नंबर एक डाल लो एकलिंगी या एकलिंगता, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, एकलिंगी डाल दिया। अच्छा कहां तक लिखा है, बहिर्जनन युक्तियां लिखी क्या, बहिर्जनन युक्तियां ऐसी युक्तियां जो स्वपरागण को रोकती है तथा पर परागण को होने देती है बहिर्जनन युक्तियां कहलाती है, ठीक है। ऐसी युक्तियां जो सौ परागण को रोकती है तथा पर परागण को होने देती है क्या कहलाती है, बहिर्जनन युक्तियां कहलाती है, ठीक है। इसमें अब नंबर एक लिखो एकलिंगता, नंबर एक एकलिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी LITY, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी। क्या कर रहा, क्या दिल दाल से लगा रखे तेने, अच्छा देख ले दोस्त का यार था क्या, दिल लगा रखे तेने दो दोस्त का, एक लिंगी चल जा, तुम लिखो एक लिंगी या एक लिंगता। कुछ फूलों में या कुछ पुष्पों में नर या मादा जननांग में से केवल एक उपस्थित होता है, कुछ पुष्पों में नर या मादा जननांगों में से केवल एक उपस्थित होता है, ऐसे पुष्पों को एकलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। कुछ पुष्पों में नर या मादा जननांगों में से केवल एक पुष्प, एक अंग उपस्थित होता है या एक उपस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं, एक लिंगता या एक लिंगी पुष्प कहते हैं। नंबर दो विषमकाल पक्वता, क्या लिखोगे विषमकाल पक्वता में, मादा जननांग है ना, नर या मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, लिख लो जल्दी 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 जल्दी, विषमकाल पक्वता। इसमें समय पर परिपक्व होते हैं, नंबर तीन सौबंध्यता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी सौबंध्यता, क्या बताया था मैंने सौबंध्यता में, अपनी जो वर्तिका गुरु उस पर क्या नहीं होने देते, अंकुरित नहीं होने देते, वो नहीं लिखना ना, बस यही लिखना जो मैंने बताया था, लिखो इसमें, इसमें अनुवांशिक कारणों से
नंबर तीन हेडिंग डाल सौबंदिता और ये लिख, इसमें अनुवांशिक कारणों से जो छूट गया छूट गया, नंबर तीन हेडिंग, इसमें अनुवांशिक कारणों से, इसमें अनुवांशिक कारणों से परागकण, इसमें अनुवांशिक कारणों से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, इसमें अनुवांशिक कारणों से जो परागकण हो वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है भाई, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। नंबर चार हर्कोगैमी, हिंदी में भी यही है इसका, हर्कोगैमी, क्या बताया था मैंने हर्कोगैमी में, इसमें ना मतलब जो पराग कोष होगा और मतलब परागकण होंगे और जो वर्तिकाग्र होगा उसे भौतिक अवरोध उत्पन्न होगा और उसमें मतलब इसमें तो अनुवांशिक था, उसमें भौतिक, भौतिक मतलब भौतिक क्या हो सकता है, भौतिक रूप से, भौतिक रूप मतलब उसके आकार में कोई परिवर्तन हो जाए या मतलब अलग अलग तरीके से क्या हो जाए, किसी में झड़ जाएंगे परागकण, ऐसे भौतिक अवरोध होते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें क्या गुनगुन करते रहे हो तुम, हैं, लिखो, इसमें भौतिक अवरोध के कारण, भौतिक अवरोध, हाँ इसमें भौतिक अवरोध के कारण, हेडिंग डाल ली ना, भौतिक अवरोध, अवरोध, हाँ रुकावट, इसमें भौतिक अवरोध के कारण हर्कोगैमी में है ना, हर्कोगैमी बनाई ना चार, क्या लिखो, इसमें भौतिक अवरोध के कारण प्राकोष व वर्तिका को, प्राकोष व वर्तिका को मिलने से रोका जाता है, मिलने से रोका जाता है, तथा ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प कौन से हो गए, द्विलिंगी पुष्प होंगे ये, तभी तो रोका जाएगा भाई, एक ही प्लांट में तो रोक रहे हो तुम इनको, ऊपरले वाले में भी द्विलिंगी पुष्प होंगे, हाँ क्या, चलो लिख लो, लिख लो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, लिख लो, द्विलिंगी तो नाम से ही पता चल रहा है यार, जब उनको भौतिक एक ही प्लांट में है वो, उनको मिलने से रोका जा रहा है भौतिक अवरोध के कारण, ठीक है, तो भाई द्विलिंगी तो होने ही होने हैं। नंबर पांच हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली विषम वर्तिकाग्रता, हिंदी में विषम वर्तिकाग्रता, नाम से पता चल रहा है, विषम मतलब अलग अलग, वर्तिकाग्रता मतलब वर्तिका, ठीक है, लिखो, विषम वर्तिकाग्रता में कुछ पौधों में, कुछ पौधों में, कुछ पौधों में, लिख लिया, कुछ पौधों में वर्तिका, कुछ पौधों में वर्तिका बड़ी होती है, कुछ पौधों में वर्तिका बड़ी, ऐसे लिखना है, कुछ पौधों में वर्तिका बड़ी तथा वर्तिका बड़ी तथा जो पुंकेसर हो वो कैसा होगा, छोटा होता है ना, कुछ पौधों में पुंकेसर बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कुछ पौधों में वर्तिका बड़ी तथा पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, तथा कुछ पौधों में, बस लिख लो,
आज के लिए बहुत है क्या? पढ़ाई क्या रही, कुछ भी नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा तो पढ़ाया है, चार पांच हेडिंग तो है ही है, इसमें भी वही इसमें भी वही। बारिश हो रही क्या? बंद कर दे इसको।